सो हाय एवरीवन, दिस इज जाबास तोफिक, सेकेंड ईयर MBBS। और आज हम बात करने वाले हैं आसाम में और पूरे इंडिया में सेंटर वाइज स्टेट वाइज नीट 2024 के सारे रिजल्ट्स मतलब दे दिए गए हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर NTA ने सारे रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए हैं। डेफिनेटली रोल नंबर वाइज मतलब एक्चुअल रोल नंबर वाइज नहीं पब्लिश किए गए हैं, सो डेट द आइडेंटिटी ऑफ द कैंडिडेट्स आर टू रिमेन प्राइवेट। पर इससे हमें एक बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि कट ऑफ कितना जाने वाला है और अब तक 600 प्लस कितने लोगों को मिला है और ये इस मतलब इसका इम्पैक्ट कितना होने वाला है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, अभी NEET 2024 जो है, पहले हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद सेंटर वाइज रिजल्ट्स देख लेंगे, आसाम का भी रिजल्ट देख लेंगे। डेफिनेटली आसाम के रिजल्ट पे हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं बिकॉज स्टेट वाइज निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। 600 प्लस मार्क्स कितने लोगों को मिले हैं, इम्पैक्ट ऑन कट ऑफ के बारे में बात कर लेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना तक जा सकता है, ठीक है, और रीनीट के क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जो है NEET 2024 में, द बेंच ऑफ जस्टिसेस पास द डायरेक्शन टू NTA टू पब्लिश द रिजल्ट्स आफ्टर द पिटिशनर अर्ज टू इट टू डायरेक्ट द टेस्टिंग एजेंसी टू पब्लिश द रिजल्ट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स टू ब्रिंग इन सम ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए 28 जुलाई को ये ऑर्डर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट्स जाबास तोफिक, और इंस्टा में भी फॉलो कर लेना @जाबास तोफिक, और टेलीग्राम पे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये भी जाबास तोफिक ही है और चैनल का नाम जाबास तोफिक ही है, स्पेलिंग देख लेना। फॉर ऑल अपडेट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल आइकन को दबा देना, ठीक है। उसके बाद NTA ने एक प्रेस रिलीज जारी किया और मतलब पब्लिक नोटिस दिया, जिसके बाद उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। पब्लिशिंग द रिजल्ट ऑफ NEET UG 2024 स्टेट वाइज सेंटर वाइज, NTA के जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके आप लोगों को एक लिंक रहेगा इन NEET NTA रिजल्ट्स में, वही जाके आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, उसके बाद द रिजल्ट हैज़ बीन पब्लिश, स्टेट सिटी सेंटर वाइज मार्क्स ऑब्टेन बाई कैंडिडेट्स विदाउट डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, यही बोला था मैंने। द रिवाइज स्कोर वो भी दिखाया गया, मतलब रिवाइज स्कोर ही दिखाया गया है। पब्लिश द सेंटर वाइज एंड स्टेट वाइज रिजल्ट्स, ये क्या है, एंड डू नॉट डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द कैंडिडेट्स। तो इतना तक हो गया। उसके बाद अगर आसाम की बात करें, डेफिनेटली सबसे पहले इंडिया के स्टेट वाइज की बात करते हैं। NEET 2024 इंडिया, सो इधर आप देख सकते हो कि लाइक इससे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा डाटा मिल जाता है कि किन लोगों को 700 प्लस मिला है, किन लोगों को 650 प्लस मिला है, किन लोगों को 600 प्लस मिला है। सो एकदम मतलब आप बोल सकते हो एक ट्रांसपेरेंट डाटा मिल जाता है। सो बाकी स्टेट्स का आप देख सकते हो, अगर हम बस आसाम का ही देखना चाहें देन आसाम में आप देख सकते हो कि 700 प्लस 19 लोगों को मिला है, लाइक इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। 650 प्लस 295, 600 921 बहुत ज़्यादा है, और 550 प्लस 1830 एंड 500 प्लस 2891। बाकी स्टेट्स का आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा आई थिंक महाराष्ट्र नहीं, राजस्थान का ही होगा। वेर इज राजस्थान, ये राजस्थान, ये रहा, सबसे ज़्यादा राजस्थान का है। 482 स्टूडेंट्स को 700 प्लस मिला है, मतलब आप समझ सकते हो कि कितना हाई है ये। उसके बाद सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड स्टूडेंट्स को 650 प्लस मिला है और 15,000 स्टूडेंट्स को 600 प्लस मिला है। सो लाइक इम्पैक्ट तो समझ ही सकते हो, ठीक है। अब आसाम में आप देख सकते हो, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 700 प्लस 19 लोगों को, 650 प्लस 295, कहाँ लास्ट ईयर 232 को 600 प्लस मिला था और 650 प्लस ही इधर 295 को मिल रहा है। सो द इम्पैक्ट यू कैन थिंक अबाउट इट। 600 प्लस मैंने पहले ही बताया था कि 750 प्लस को जाएगा, कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था, पर अभी देखो 921 को मिला है, मतलब मैं बताया था कि 750 प्लस जाएगा, उससे ज़्यादा जाएगा। तो अभी और एक सर्कुलर ऐसा भी आया था कि 796 को मिला था, पर उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट ये है कि 921 को 600 प्लस मिला है सारे डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर। ये देखो, सारे डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर 921 को मिला है, जैसे कि हमारा बक्सा डिस्ट्रिक्ट बरपेटा 74, दारांग में 20, धुबरी में 65, गुवाहाटी में 399, हैलाकंदी में 446, ऐसे ही सिलचर में 79। सो इन सारे डिस्ट्रिक्ट को मिला के 921 होता है जिन लोगों ने 600 प्लस स्कोर किया है। सो गुवाहाटी से सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बारपेटा, धुबरी और उसके बाद सिलचर, उसके बाद नौगांव भी है 64 स्टूडेंट्स। मतलब इम्पैक्ट समझ सकते हो ना, बहुत ज़्यादा है। अब देखो नीट का, आसाम का ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को, पर फिर भी आप देख लो एक बार। लास्ट ईयर जो है NEET 2023 में जनरल का कट ऑफ लास्ट राउंड तक, मतलब स्टेट वैकेंसी राउंड तक जनरल का जो कट ऑफ है वो 546 गया था, और उसमें स्टेट रैंक जो था वो 742 मार्क्स था, ठीक है, स्टेट रैंक। और इस साल वही स्टेट रैंक पे, मतलब 742 स्टेट रैंक पे NEET 2024 में 612 मार्क्स आ रहा है। सो
काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, ठीक है। 600 प्लस में ऑलरेडी बोला था कि कट ऑफ 600 प्लस जाएगा और इधर 612 मार्क्स आ रहा है, डेफिनेटली इससे थोड़ा कम जाएगा, 740 मतलब 742 से थोड़ा ज़्यादा स्टेट रैंक तक जाएगा, बिकॉज एक नया मेडिकल कॉलेज खुला है, पर उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली सिर्फ एक ही मेडिकल कॉलेज खुला है, इसीलिए उसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि 600 प्लस मार्क्स, 750 प्लस लोगों ने 600 प्लस मार्क्स को किया है, इसीलिए कट ऑफ जनरल 605 प्लस जाएगा और EWS 597 प्लस जाएगा। उसके बाद मैंने सारे कोचिंग सेंटर्स के जो कैलकुलेट किया था, 733 स्टूडेंट्स को मिल रहा है 600 प्लस, सो डेफिनेटली इन लोगों को ही मिल रहा है। और उसके बाद हम लोग एक बार सीट मैट्रिक्स के बारे में देख लेंगे फटाफट। नीट 24 आसाम का जो सीट मैट्रिक्स है उसमें सबसे टोटल सीट्स 1600, AQ में 240, बाकी कोटा में देख लेना, स्टेट कोटा में सीट्स बजे 1337 सीट्स, ओके। और उसके बाद OBC कैटेगरी के लिए 27% सीट्स, 360 सीट्स, SC के लिए 94 सीट्स, ST प्लेन्स के लिए 133, ST हिल्स के लिए 67, स्पेशल कोटा के लिए 20 सीट्स, PWD के लिए 66 सीट्स। असम गवर्नमेंट स्कूल कोटा जो है वो नया इस साल निकला है, एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है डेफिनेटली लाइक PWD, पर इससे कट ऑफ में इंपैक्ट आएगा और जनरल का कट ऑफ और भी ज़्यादा हाई चला जाएगा थोड़ा सा, 5% है, 66 सीट्स है इसमें, प्रेफरेंशियल कोटा है ये। EWS में 6% दिया गया है, पहले 10% था, 80 सीट्स है। इन ऑल मेडिकल कॉलेजेस अभी ये श्योर नहीं हुए हैं, ठीक है, अभी मतलब उस गैजेट में लिखा नहीं है कि ऑल मेडिकल कॉलेज है कि नहीं, पर मुझे जितना लगता है ऑल मेडिकल कॉलेज में ही दिया जाएगा, बिकॉज EWS शुड बी अवेलेबल इन ऑल मेडिकल कॉलेजेस, ओके। और NRI सीट्स है 88 सीट्स, वो 7% मतलब लाइक इस साल भी है ये, 7% दिया गया है एक्सक्लूडिंग EWS, मतलब EWS का रिजर्वेशन खत्म होने के बाद या EWS के सीट्स को लेने के बाद जो सीट्स वैकेंट रहेंगे उनमें NRI कोटा दिया जाएगा, ठीक है। आफ्टर एलिमिनेटिंग ऑल रिजर्वेशन टोटल जनरल के सीट्स 495 आते हैं, और इनमें से अगर हम अप्रोक्स करें तो अगर बाकी सीट्स मतलब अगर कुछ सीट्स NRI की या कुछ सीट्स और किसी रिजर्वेशन के फिलअप नहीं होते हैं और वो आके ऐड हो जाते हैं, तब जाके 540 से लेके 555 तक जनरल का सीट्स रहता है इस साल, ठीक है, जो कम है, ठीक है। OBC सब कैटेगरी के लिए 78 सीट्स, बाकी आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो कि किसको कितना मिला है, स्पेशल कोटा के लिए भी आप देख लेना, ये सेम ही रहा है स्पेशल कोटा के लिए, एक्स सर्विसमैन का 9 सीट्स, बाकी कैटेगरी का आप देख लेना, ठीक है। और 300 मेडिकल कॉलेज जो इंक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से 100 सीट्स इंक्रीज़ हुआ है, उस पे उसकी वजह से सीट्स पे क्या कट मतलब इंपैक्ट आया है ये भी एक बार देख लेते हैं। ऑल्सो रिगार्डिंग इंक्रीज इन सीट्स, 300 मेडिकल कॉलेज 100 सीट्स प्लस हुआ है, जिसमें से 15% ऑल इंडिया कोटा और 85% स्टेट कोटा। हम स्टेट कोटा की बात करेंगे, 85 सीट्स आते हैं स्टेट कोटा में, जिसमें से OBC के लिए 23 सीट्स, SC के लिए 6%, ST प्लेन्स के लिए 8, ST हिल्स के लिए 4, EWS के लिए 5 सीट्स और अनरिजर्व के लिए 39 सीट्स बचे, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 40 सीट्स बचे, ठीक है। इसी को हिसाब में लेकर मैंने कट ऑफ को भी कैलकुलेट किया है। अब एक और चीज़ है जो आसाम का गवर्नमेंट स्कूल कोटा है वो भी देख लो, 5% गवर्नमेंट स्कूल कोटा विल मेक कट ऑफ ए लिटिल बिट मोर हायर फॉर जनरल कैटेगरी एंड अदर कैटेगरीज, MBBS प्लस BDS के लिए, ठीक है। MBBS प्लस BDS के लिए भी ये दिया गया है, MBBS में भी 5%, BDS में भी 5%, और किसको दिया गया है ये, जिन लोगों ने आसाम के स्टेट में रहकर आसाम के किसी गवर्नमेंट स्कूल से मतलब स्टेट गवर्नमेंट स्कूल से आसाम का गवर्नमेंट स्कूल से क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक पढ़ा है, उन लोगों को ही ये कोटा दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने लास्ट ईयर जो जो कट ऑफ बताया था, या मतलब लास्ट ईयर नहीं, इन्हीं रिसेंट वीडियोस में जो जो कट ऑफ बताया था और जो जो हिसाब मैंने दिया था, इसमें मैंने कट ऑफ नहीं बताया, बस हिसाब दिया था कि लाइक 66,000 लास्ट ईयर 66,000 रैंक पे 546 मार्क मतलब जनरल में मतलब कट ऑफ गया था, और इस साल उसी रैंक पे 613 मार्क्स है। EWS में भी बताया था मैंने, OBC के लिए बताया था 520 मार्क्स है, SC के लिए बताया 535, ये मैंने बस हिसाब दिया था, ठीक है, ताकि एक रेफरेंस मिल सके। उसके बाद मैंने कट ऑफ बताया था, कट ऑफ मैंने हमेशा 600 प्लस ही बताया है, आप लोगों ने कभी बहुत बार विश्वास नहीं किया है, पर अभी आप लोगों को विश्वास करना ही पड़ेगा, बिकॉज कोई बचा नहीं है, बिकॉज 600 प्लस ही जा रहा है, ठीक है। तो मैं जो बोलता हूँ उसे कभी कभी सुना करो और स्टेटिस्टिक्स को देखा करो। ऑलराइट, जनरल के लिए 600 प्लस मतलब मैं बताया था 600 प्लस, EWS के लिए 595, OBC के लिए 480, यहाँ मैंने कम बताया दिया था, पर फिर भी 480 बताया था, SC के लिए 490 और बाकी के लिए ST प्लेस और ST हिल्स के लिए मैंने नहीं बताया, बिकॉज ऑलवेज मैंने मेरिट लिस्ट का ही वेट किया है, बिकॉज इसमें हिसाब गलत जा सकता है बहुत लाइक मार्जिन से, इसीलिए नहीं बताया, ठीक है। उसके बाद नीट 24 में, उसके बाद एक और बार मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था जब ऑल इंडिया रैंक्स आया था, कि जनरल के लिए 600 से लेके 610 तक जाएगा, EWS के लिए 590 से लेके 602, OBC के लिए 490, SC के लिए 490, मतलब 500 प्लस जाएगा, और AIRs भी बताया था। उसके बाद हाँ, कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे, पर थोड़ा और चीज़ें देख लेते हैं, रिनेट के बारे में बात करेंगे एक सेकेंड, उससे पहले हाँ
सो असम का जो नीट में कट ऑफ है लास्ट ईयर जो रहा था नीट 2023 में, सो उसमें एक बार एक चीज़ ही देख लो, जनरल के लिए 546 रहा था, स्टेट रैंक 742, EWS के लिए 566 512। ये हम रेफरेंस में नहीं रखेंगे बिकॉज इस साल मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं रहेगा, ऐसे कट ऑफ ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा EWS का, बिकॉज इन जनरल से ही कम रहेगा, बिकॉज मुझे लगता है कि ऑल मेडिकल कॉलेजेस में EWS का कोटा दिया जाएगा। ठीक है, OBC NCL के लिए 430 और स्टेट रैंक आया था 2662, SC के लिए 448, स्टेट रैंक आया था 2276, SC के लिए 378 और ST Hills के लिए 311। अब यहाँ से अगर मैं हिसाब लगाऊँ इस अनऑफिशियल असम का रैंक लिस्ट जो है, देखो ठीक है, हाईएस्ट 715 मिला है और तीन लोगों को मिला है 715, ये मैं ऑलरेडी मतलब दिखाया था आप लोगों को, सो ये मोस्ट प्रोबेबली सही है, पर मतलब डेफिनेटली ऑफिशियल नहीं है इसलिए इस पर पूरा विश्वास नहीं कर सकते, पर इसी को हिसाब में लेकर चलते हैं बिकॉज डाटा सब सामने ही है और किसी ने अच्छे से ये लिस्ट बना दिया है तो इसका यूज़ ही करते हैं। अब देखो एक चीज़ देखना, 742 जो रैंक है उस पर इस साल 546 मार्क, मतलब नीट 2023 में 546 मार्क्स था और इस साल 612 मार्क्स आया। ठीक है, और अगर मैं सोचूं कि लाइक थोड़ा और इंक्रीज़ हो गया है हमारा जनरल का सीट्स, जिसकी वजह से अगर कट ऑफ यहाँ तक भी जाए तो इधर 609 आ रहा है, पर डेफिनेटली 609 नहीं जाने वाला, ऐसे लिनियरली कट ऑफ नहीं बढ़ता है, बीच बीच में गैप रहते हैं जहाँ पर OBC कैंडिडेट्स SC कैंडिडेट्स वो लोग भी आ जाते हैं और वो लोग अपना सीट्स ले लेते हैं। ठीक है, सो इसी अकॉर्डिंग मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे देखे हैं जहाँ पे मैं, जैसे कि OBC के लिए ये पॉइंट है 2276 वाला, जहाँ पर लास्ट ईयर नहीं SC के लिए है, लास्ट ईयर SC का कट ऑफ 2276 तक गया था स्टेट रैंक तक, जहाँ पर SC का मार्क्स था आई थिंक अराउंड 448 और इस साल 528 जा रहा है। देखो सेम इन द केस ऑफ OBC भी, जहाँ पर OBC का कट ऑफ, ये देखो OBC का कट ऑफ 510, मतलब कट ऑफ नहीं, जो स्टेट रैंक है 2662 जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था नीट 2023 में, इसी स्टेट रैंक पे 430 मार्क्स गया था और इस साल 510 मार्क्स जा रहा है, एन इंक्रीज इन 80 मार्क्स, सोचो बस। ठीक है, सो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कट ऑफ का लिस्ट बनाया है जो आप देख सकते हो रेफरेंस के लिए। ठीक है, सो ये रहा, स्क्रीनशॉट रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। नीट 2024 आसाम का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जनरल के लिए मैं बता रहा हूँ कि 607 से लेकर 615 तक जा सकता है और इससे ऊपर भी जा सकता है, पर 615 के अंदर ही रहेगा। ठीक है, जो रेंज है 607 से लेकर 615 तक, EWS के लिए 602 से लेकर 610 तक, अगर इन ऑल मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है, ये कंडीशन है। OBC के लिए 500 से लेके 510, डेफिनेटली 500 प्लस रहेगा, अभी मैं श्योर हूँ। ठीक है, 500 प्लस रहने वाला है, डोंट स्टे इन डिलेमा, अगर आपका 500 से कम आ रहा है देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ ओनली, अगर थोड़ा सा भी डाउट है कि नहीं होने वाला है सिलेक्शन तो स्टार्ट कर दो सिलेक्शन नेक्स्ट ईयर के लिए, बिकॉज नेक्स्ट ईयर पेपर और भी हार्ड होने वाला है। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि नेक्स्ट ईयर टू टायर्स, मतलब दो फेजेस में एग्जाम हो सकते हैं नीट 2024 का, और मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम जो नीट 2025 का होगा वो टफ रहेगा इन कंपेरिजन टू नीट 2024, बिकॉज इस साल काफ़ी सारा दिक्कत हुआ है, सेंटिटी ऑफ एग्जाम हार्म हुआ है, सो नेक्स्ट ईयर एग्जाम टफ रह सकता है, और मतलब पढ़ाई करो। ठीक है, अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है अभी डोंट स्टे इन डिलेमा, रीनीट होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। OBC का कट ऑफ 500 से लेके 510 तक, SC का कट ऑफ 515 से लेके 530 तक जा सकता है, हाँ इतना ही हाई जाएगा। ठीक है, विश्वास करो इतना ही हाई जाने वाला है, जब मेरिट लिस्ट आएगा, जब सिलेक्ट लिस्ट आएगा तब देख लेना यही जाएगा। और ये मैं लास्ट राउंड तक बता रहा हूँ, लास्ट राउंड जो स्ट्रे वैकेंसी है अभी, क्या बोलते हैं उसे, हमारा जो मॉपअप राउंड है, राउंड वन है, राउंड टू है, उसमें और भी हाई जाने वाला है कट ऑफ, सो उसके लिए भी रेडी रहना। ठीक है, और ST Plains और ST Hills का जब मेरिट लिस्ट आएगा तभी बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले बताना, इट्स लाइक मतलब गलत भी हो सकता है बहुत मार्जिन तक, मैं नहीं बता रहा हूँ। और हाँ, एक और चीज़ है कि ये जो कट ऑफ है OBC और SC का, ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर भी डिपेंड करेगा, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मेरे हिसाब से इंक्रीज़ हुए हैं सिग्निफिकेंटली, जिसकी वजह से ही मैंने ये कट ऑफ बताया है, और हर साल इंक्रीज़ होते हैं जिसकी वजह से कट ऑफ हाई जाता है, इस साल भी इंक्रीज़ हुए होंगे, पर डेफिनेटली ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे ही। ओके, और आखिरी चीज़ जो मैं बताने वाला था रीनीट के बारे में, सो SC ने अभी तक लाइक डिसीजन नहीं दिया है, नेक्स्ट हियरिंग 22 जुलाई को है। ठीक है, नेक्स्ट हियरिंग 22 जुलाई को है SC का। अब यहाँ तक SC ने यही बताया कि कोई मतलब रीनीट पर वो लोग अभी तक डिसीजन नहीं दिए हैं, पर एक कंक्रीट प्रूफ चाहिए रीनीट के रिगार्डिंग, मतलब अगर होना है रीनीट, ठीक है, कंक्रीट प्रूफ चाहिए कि सेंटिटी ऑफ एग्जाम हर्ट हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से सेंटिटी मतलब उनके हिसाब से सेंटिटी ऑफ एग्जाम अभी तक जितने भी चीज़ें दिखाया गया है उसके हिसाब से जो
इंटीग्रिटी है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ कुछ ही जगह पर लीक हुआ है, जिसकी वजह से रीनीट का पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रहा है, ठीक है। और मेरे हिसाब से भी रीनीट का पॉसिबिलिटी बहुत कम है। पैन इंडिया 24 लाख के लिए फिर से एग्ज़ाम करवाना इट्स लाइक रियली डिफिकल्ट, इसलिए एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगा, मतलब स्कोर्स मोस्ट प्रोबेबली यही रहने वाला है, दिस विल बी योर रियलिटी। सो अगर होने वाला है यही तो एक्सेप्ट इट एंड डोंट वरी, नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। और यही कट ऑफ था।